और फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? हैरियत से हैं। लेसन नंबर 50 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ ए मेजर रिफॉर्म इज़ कैरिड आउट ऑन द व्हीकल, व्हाट प्रोसीडर्स मस्ट बी कैरी आउट। अगर आपकी गाड़ी में आपने कोई बहुत बड़ी चेंजिंग करवाई है तो आपके लिए क्या करना है उसे चलाने के लिए जी? आपने उसको लेके जाना है एक दफ़ा फिर ITV स्टेशन पर, जो वहाँ पे उसकी जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंस्पेक्शन है वो करेंगे, उसको चेक करेंगे, तो फिर आप उसको रोड पे चला सकते हैं। ए प्रेजेंट द व्हीकल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल इंस्पेक्शन बिफोर ड्राइविंग अगेन। बी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कैरी आउट एनी इंस्पेक्शन अंटल इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एज ऑफ द व्हीकल। सी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कैरी आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल इंस्पेक्शन इफ द रिफॉर्म हैज़ बीन कैरिड आउट इन एन ऑथोराइज वर्कशॉप। क्या होगा ए? क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट कैन प्रमोट द अपीयरेंस ऑफ द आई। वो कौन सी चीज़ है जो जो आपको थकावट का बायस बनती है और उसकी मदद करती है? ए ट्रैवल ए रोड विद ए वेल प्रिविज्ड रोड सरफेस। बी ड्राइव विद द व्हीकल इन परफेक्ट कंडीशन। सी द बैड कंडीशन ऑफ द सीट और अदर इंटीरियर एलिमेंट ऑफ द व्हीकल। जिसका होगा कि आपकी जो सीट है वो ठीक नहीं, जहाँ आपने सही नहीं उसको एडजस्ट किया, या गाड़ी के अंदर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आप पे असरअंदाज होकर आपके लिए थकावट का बास बन सकती हैं। ए ट्रैवल ए रोड विद ए वेल प्रिजर्व्ड रोड सरफेस। बी ड्राइव विद द व्हीकल इन परफेक्ट कंडीशन। सी द बैड डिज़ाइन ऑफ द सीट और अदर इंटीरियर एलिमेंट ऑफ द व्हीकल। इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इज़ इट अलाउड टू मेक ए स्टॉप ऑन ए हाईवे और मोटरवे। क्या आप हाईवे और मोटरवे पे क्या आप स्टॉप कर सकते हैं? जी नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम उन जगह पे कर सकते हैं जो उन्होंने इस मकसद के लिए बनाई हुई हैं, जो रेस्ट एरिया उन्होंने बनाए होते हैं वहाँ पे हम सिर्फ कर सकते हैं। ए येस बट ओनली ऑन दी हार्ड शोल्डर इफ़ इट इज़ पॉसिबल। बी येस इन द मीडियन और द शोल्डर इन इनडिस्टिंक्टली। सी नो यू कैन ओनली स्टॉप इन डेजिग्नेटेड एरिया सच एज रेस्ट एरिया। इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑन ए टू वे रोड ऑन विच साइड ऑफ एन आइसलैंड विड यू ड्राइव। एक टू वे रोड है, वहाँ पे दरमियान में आइसलैंड बना हुआ है, तो आप कहाँ पे सफ़र करेंगे? अगर वन वे होता तो हम दोनों साइड पे कर सकते थे, अब ये टू वे है तो हम राइट साइड पे जाएंगे। ए ऑन योर राइट, बी ऑन योर लेफ्ट, सी ऑन योर राइट और योर लेफ्ट डिसमी जहाँ भी आप। अब इसका होगा ये कि हम राइट साइड पे वाई जो लाइन है वहाँ पे सफ़र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ योर व्हीकल हैज़ एन एयर बैग इट इज़ मैंडेटरी टू वियर ए सीट बेल्ट। कि अगर आपकी जो गाड़ी है उसमें अगर एयर बैग लगे हुए हैं तो क्या आपने ज़रूरी है कि आपने सीट बेल्ट भी बांधनी है? ओब्लिगेटरी है, हाँ जी आपने ज़रूर बांधनी है। तो जो सीट बेल्ट जो एयर बैग वर्क की ठीक इसलिए करते हैं अगर सीट बेल्ट बांधी हो तो। ए नो, बी यस, सी जस्ट आउट ऑफ टोन। इसका होगा बी, आपने जरूर पहननी है सीट बेल्ट और ओब्लिगेटरी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिस साइन, ये साइन क्या कह रहा है जी? ये साइन कह रहा है कि ओब्लिगेटरी हो है, मैंडेटरी है कि आपने ज़रूर जो टायरों पे चेन जो बर्फबारी वाले हैं वो यूज़ करने हैं तब आप सफ़र कर सकते हैं। यहाँ से जब ये निशान मिले तो वहाँ ओब्लिगेटरी हो है, इसके बगैर आप नहीं सफ़र कर सकते। ए एडवाइस द यूज़ ऑफ चेन इन केस ऑफ स्नोबॉल्स। बी वार्न ऑफ द डेंजर ऑफ ड्राइविंग विदाउट स्नो चेन। सी फोर्सेस द यूज़ ऑफ चेन और अदर ऑथराइज डिवाइस इन द इवेंट ऑफ स्नोफॉल। ये कह रहा है कि अब वो फोर्स कर रहे हैं आप जो चेन यूज़ करें या और भी कोई ऑथराइज डिवाइस है वो भी आप यूज़ करते हैं इन द इवेंट ऑफ स्नोफॉल होते बर्फबारी की वजह से। बस क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्राइविंग विद डिप्रेशन कैन इट कॉज एन एक्सीडेंट। क्या आपको डिप्रेशन है, आपका जो सर है वो भारी हुआ हुआ है, दर्द है, उस वजह से क्या उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं? हाँ जी उससे हो सकते हैं। तो जो आपने डिसीजन लेना है कुछ ऐसी इशारा लगाना है या आगे पीछे वह टेक करना है तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा गलती कर सकते हैं, इससे एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। ए नो बिकॉज इट इज़ कॉमन इन मैनी ड्राइवर्स। बी नो इफ द ड्राइवर इज़ एन अदोज एन एक्सपीरियंस। सी येस बिकॉज रॉन्ग डिसीजन कैन बी मेड। इसका होगा सी कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो एक्सीडेंट होने के चांस हो सकते हैं और आप जो गलत फैसले हैं वो करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ़ द पैसेंजर ऑफ ए मोटरसाइकिल डज नॉट वियर ए हेलमेट, अगर एक मोटरसाइकिल वाला अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई विद किसकी, ये वो जो ड्राइवर कर रहा है मोटरसाइकिल चला रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने पीछे बंदा बैठाया हुआ है उसको भी हेलमेट पहनाए, ए पैसेंजर, बी व्हीकल ओनर, सी ड्राइवर। इसका होगा सी के जो ड्राइवर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पैसेंजर उसने पीछे बैठाया हुआ है उसको हेलमेट पहने। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑन इंटर अर्बन रोड वियर शुड साइकिल एंड टू व्हील मूव्ड बी पोजीशन टू टर्न लेफ्ट, इंटर अर्बन रोड है वहाँ पे जो आपने जो साइकिल और छोटी जो मोटो है उसने अगर लेफ़्ट टर्न लेना है तो वो कहाँ से लेगी जी, वो राइट साइड से या फिर रोड से नीचे उतर के वहाँ से शुरू करेगी टर्न लेना, ए टू द राइट ऑफ द रोड इज पॉसिबल एंड शॉर्ट इट फ्रॉम दियर, बी इन द सेंटर विदाउट इन्वेडिंग द अपोजिट डायरेक्शन, सी इन द लेफ्ट लाइन। इसका होगा ए टू द राइट साइड से और ऑफ द रोड, अगर वो हो सकता है तो रोड से नीचे से हो सकता है और वहाँ से वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द ओवर एस्टिमेटिंग ऑफ ड्राइविंग एबिलिटी एंड रिस्क टेकिंग और पर्सनल क्रेटिटिक्स डेट मेक मोर लाइकली टू सफ़र एन एक्सीडेंट, वो कौन से लोग हैं जो ज़्यादा अपने आप को समझते हैं हमें बहुत ज़्यादा ड्राइविंग आती है और वो रिस्क लेते हैं बहुत ज़्यादा, जिनसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं जी, वो होंगे यंग, जो जवान लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ज़्यादा अपने आप समझते हैं हमें बहुत ज़्यादा ड्राइविंग का पता है, ए ओल्ड पीपल्स, बी यंग, सी प्रोफेशनल ड्राइवर। इसका होगा बी के जो यंग हैं वो सबसे ज़्यादा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, डज प्रोग्रामिंग ए GPS नेविगेटर वाइल ड्राइविंग कॉज डिस्ट्रैक्शंस दैट अफेक्ट ड्राइविंग, क्या जो आपने GPS से लगाया हुआ है गाड़ी पे नेविगेटर, क्या वो डिस्ट्रैक्शन आपको दूसरे रास्तों आपकी ड्राइविंग को करता है कि आपको दूसरे रास्तों पे ले के जा सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है, हाँ जी वो बहुत ज़्यादा होता है, किसी ने वो आप कोई रूट मारते हैं वो आपको किसी जगह पे ले जाता है, ए नो एज लॉन्ग यू आर ड्राइविंग एट ए मॉडरेट स्पीड, बी यस, सी नो बिकॉज GPS इज हेल्पफुल एंड नेवर डिस्ट्रैक्ट दी ड्राइवर, जिसका अगर बी हाँ जी वो आपको जो गलत रास्ते हैं गलत साइड पे लेके जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डू द रेड लाइट्स ऑन द व्हीकल अहेड इंडिकेट, ये जो व्हीकल है जो रेड लाइटें ऑन की हैं वो क्या इंडिकेट कर रहा है जी, वो रेड लाइटें ऑन कर उसी पीछे से हैं तो समझे कि वो ब्रेक लगा रहा है, ए डैट देयर इज़ ए फॉग, बी व्हाट ए सर्कल फॉर ए जर्नी, सी डैट द व्हीकल इज़ ब्रेकिंग। इसका होगा सी के जो व्हीकल है उस रेड लाइटें अंदर ऑन है तो वो ब्रेकिंग लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, दिस सिग्नलिंग इंडिकेट द डिस्कैन, ये वाला जो सिग्नल है जिसके नीचे वो स्टॉप 100 मीटर लिखा है, क्या किसकी वो कह रहे कि इतने फासले पे वो इंडिकेट कर रहे हैं जी, ये कह रहे कि 100 मीटर पे आगे स्टॉप है जहाँ पे आपने ज़रूर स्टॉप करना है नेक्स्ट इंटरसेक्शन पे, ए टू द प्लेस वेयर यू हैव टू यील्ड एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, बी टू द विच द मैंडेटरी स्टॉप साइन फॉर द नेक्स्ट इंटरसेक्शन इज लोकेटेड, सी टू द प्लेस वेयर यू हैव टू स्टॉप एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन। इसका होगा बी, मैंडेटरी आपने आगे जो स्टॉप साइन आ रहा है वहाँ पे आपने ज़रूर खड़े होना है 100 मीटर पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ़ यू आर ड्राइविंग ए व्हीकल फॉर पीपल विद रिड्यूस मिसबिलिटी डज दिस साइन अफेक्ट यू, ये वाला जो साइन है अगर वो रिड्यूस मिसबिलिटी वाले जो सफर गाड़ी चला रहा है ना वो इसको अफेक्ट करेगा जी, हाँ जी ज़रूर करेगा, क्योंकि ये जो मोतो बनी हुई है यहाँ पे अगर मोतो एंटर नहीं हो सकती तो वो जो रिड्यूस मिलिटी वाली जो व्हीकल है वो भी वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता, ए नो इट ओनली प्रोहिबिट एंट्री टू मोटरसाइकिल, बी नो इट ओनली प्रोहिबिट एंट्री टू बोट, सी यस, इसका होगा यस, हाँ इसको अफेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुड द सेफ्टी डिस्टेंस बी इंक्रीज व्हेन देयर इज़ ए फॉग, अगर वो धुंध पड़ी हुई है क्या आप जो सेफ्टी डिस्टेंस है जो आगे वाली गाड़ी से क्या फासला ज़्यादा रखेंगे, जी हाँ जी हम फासला ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अगर कोई भी ब्रेकिंग लगानी पड़ती है किसी टाइम तो हमारा फासला ज़्यादा होगा तो हम आसानी से ब्रेक लगा लेंगे, ए डिस्टेंस डस नॉट इन फूल इन स्टॉप इज
stopping in foggy conditions, B, yes, to have more space to react to any braking of the vehicle in the front, C, no, if the lights are on. इसका होगा B के हाँ हम फासला ज़्यादा रखेंगे क्योंकि अगर हमें कोई भी ऐसा रिएक्ट करना पड़े किसी ब्रेकिंग में आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगाती है तो हम खुद भी ब्रेक लगा सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और हमें कमेंट में भी बताया करें. अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे. अल्लाह हाफिज़.